Hi guys, welcome or welcome back to my channel. If you are new to my channel, hi, this is Avinash and I hope you all are safe. तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ मिंत्रा ओवरसाइज टी शर्ट्स के ऊपर. तो मैंने इन टोटल 5 टी शर्ट मंगाई है, जो कि एक तो मैंने ऑलरेडी पहन भी ली है, वो मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद आई है. बट उसके पीछे का सीन मैं आप लोगों को बताऊँगी जब मैं आपको वो टी शर्ट दिखाऊँगी. तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाती हूँ. तो जो पहली टी शर्ट है वो है कुक एंड कीच, पता नहीं इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, अगर गलत है तो आई एम सॉरी, मेरे को नहीं पता इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, जो भी. तो ये है प्योर कॉटन टी शर्ट, जो कि फोटो में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, काफ़ी प्रिटी लग रही थी. एंड पहली बात तो दिस इज़ नॉट ओवर साइज, ये क्रॉप है, मेरे वेस्ट तक आ रही थी ये. एंड ये मैंने साइज एक्सेल में मंगाई थी, इसका एक्चुअल प्राइस था 1099, बट ये मेरे को पड़ी ऑलमोस्ट 483 की. तो इसका मटेरियल मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया मेरे को. एक्चुअली मैंने ये टी शर्ट ऑर्डर की थी इसका कलर देख के, पता नहीं, आई वॉज नॉट अ पिंक गर्ल, मेरे को पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं था. बट एक्चुअली क्या हुआ ना, 2-3 पिंक ड्रेसेस में मेरी फोटो बहुत ज़्यादा अच्छी आ गई, तो उसके बाद से मैंने पिंक ही ऑर्डर करना चालू कर दिया, वो भी ये स्पेशली ये वाला पिंक. इसको आई गेस फ्रूशिया या सिराइस ऐसे कुछ पिंक बोलते हैं, मैं मेंशन कर दूंगी, मेरे को नाम नहीं पता. बट ये पिंक पे मतलब इतना ज़्यादा फ्लैटरिंग लगता है, ये कलर मेरे पे ना आया है एक नंबर. तो मैंने मंगा ली, मैंने सेम एक और टी शर्ट मंगाई है सेम कलर में. तो मेरे को एक्चुअली इसका कलर बहुत पसंद आया, बट इसका मटेरियल उतना अच्छा नहीं है एंड इसका प्रिंट भी उतना खास नहीं लग रहा है. मतलब कि पहली बार तो जब मैंने टी शर्ट खोली तो ये प्रिंट ऑलरेडी ऐसे चिपका हुआ था. एंड इसका देखो आप लोगों को अच्छा से अगर दिख रहा हो तो, इफ यू गाइस कैन सी, हाँ मतलब ऐसे नॉर्मल एक दो बार पहनने के लिए ठीक है, बट मेरे को नहीं लगता ये ज़्यादा चलेगी. इसका प्रिंट भी ठीक ठाक ही है, बट प्राइस के अकॉर्डिंगली तो मैं बोलूँगी कि ये मतलब 483 के लायक नहीं है, वर्थ इट नहीं है. बट चलो ठीक है, फ्रंट में लिखा है यू आर डेयरिंग ग्रेट, ओ सॉरी यू आर डूइंग ग्रेट, सॉरी ये ऐसे सनफ्लावर बना मेरे को लगा ए है ये, सॉरी. एंड इसके पीछे में लिखा हुआ है नेवर अपोलोजाइज फॉर बीइंग यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम वी हैव इज अनदर पिंक टी शर्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी पहन ली है एंड ये मेरे पे इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है. दिस इज द टी शर्ट, ये एक्चुअली द सोल स्टोर है ना उसकी है. एंड मैं जब ये टी शर्ट ऑर्डर कर रही थी ना, मैं आई वॉज लाइक अ बिट स्केप्टिकल कि मैं ऑर्डर करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मैंने अमेजोन से सेम एक टी शर्ट मंगाई थी द सोल स्टोर से, वो ओवरसाइज टी शर्ट थी, बट मेरे को जाके क्रॉप टी शर्ट मिली. वो मैं उसकी फोटो डाल दूंगी साइड में, आप लोग देख लेना. तो मैं सोच रही थी कि अगर इन केस ये भी सेम आ गया तो दिल टूट जाएगा, क्योंकि ये भी पिंक कलर में है एंड इसका प्रिंट मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, यू गाइस कैन सी. हाँ मैं बस प्रे कर रही थी कि प्लीज़ 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 ये ओवरसाइज आए, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, सबसे फेवरेट. मैंने इन टोटल 5 मंगाई है एंड 5 में से सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरी ये है. इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, पूरा कॉटन मटेरियल है एंड इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है. जब मैं पहले टी शर्ट दिखाई उससे कहीं ज़्यादा प्रिंट इसका अच्छा लग रहा है मेरे को. हाँ इसका एक्चुअल प्राइस था 1299, बट ये मेरे को मिला था, आई गॉट दिस फॉर 688 एंड ये मैंने लार्ज साइज में मंगाई है. तो फॉर योर रेफरेंस आई एम 5'8", माई वेट इज 70 kgs एंड माई वेस्ट इज अराउंड 30. तो मैंने पहले टी शर्ट जो मंगाई थी ये एक्सेल साइज में मंगाई थी, बट ये तब भी मेरे को छोटी हो रही है एंड ये मैंने एल में मंगाई है एंड ये मेरे को परफेक्ट आ रही है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम वी हैव इज दिस टी शर्ट, जो कि है डीलिंगर या समथिंग, जो भी है. ये भी काफ़ी, इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, कॉटन मटेरियल है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है. इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि एक बार धोने से निकल जाएगा, दो बार धोने से नहीं, इसका प्रिंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ये मिंट ग्रीन जो होता है ना वो कलर में है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है पहने हुए. इसके खाली आगे साइड में प्रिंट है एंड पीछे साइड में पूरा प्लेन है ये. एंड ये भी मैंने लार्ज साइज में मंगाई थी, इसका एक्चुअल प्राइस था, लेट मी सी,
इसका एक्चुअल प्राइस था 1399, बड़ी है, मेरे को मिली है 489 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम रेट में मेरे को मिली है, एंड ये 489 के अकॉर्डिंगली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे इसको ऑर्डर कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, वी हैव दिस टी शर्ट, जो कि वाओ, मतलब ये इसका कलर लाइलैक कलर बोल सकते हैं इसको, एंड ये भी सेम ब्रांड से है, डीलिंगर करके है, ये भी मैंने लार्ज साइज में मंगाया है, एंड ये भी कितना सुंदर लग रहा है पहने हुए, इसका मटेरियल भी एक नंबर है, एंड ये भी ओवरसाइज्ड है, मतलब अगर आप लोग को इससे ज़्यादा ओवरसाइज चाहिए तो आप लोग अपने साइज से एक अबव करके ऊपर करके मंगा सकते हो, एक्सेल बढ़िया मेरे को परफेक्ट आ रही है, मेरे को इसको ज़्यादा मीन्स साइज अप करने का जरूरत नहीं पड़ा, इसके भी खाली आगे प्रिंट है, एंड इसका प्रिंट कितना अच्छा लग रहा है, उसके खाली आगे तरफ प्रिंट है, पीछे पूरा प्लेन है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लासी लुक दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको पहने हुए, तो या ये इसका एक्चुअल प्राइस था 1299, बट आई गॉट इट फॉर अराउंड 523, नॉट बैड, अच्छा है। हाँ, दिस इज द लास्ट आइटम, ये एक्चुअली मैंने मेन सेक्शन से मंगाया था, ये भी कुक एंड किच की ही टी शर्ट है, मतलब कुक एंड किच ब्रांड से ही है, बट ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मैं नॉर्मली ऐसे टी शर्ट्स अगर मैं लेती हूँ तो मैं मेन सेक्शन से ही लेती हूँ, बट इसका पता नहीं मेरे को क्यों मतलब फिटिंग अच्छी नहीं आई है, मैंने मीडियम साइज में मंगाई थी, इसके शोल्डर्स ना मतलब पूरा गिर रहे हैं, शोल्डर कुछ परफेक्ट अच्छे से आ नहीं रहा है, मतलब कुछ स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है शोल्डर को, पूरा साइड इधर साइड से गिर रहा है, इधर साइड से गिर रहा है, तो मतलब ऐसे मेंस के लिए है ऑब्वियसली, तो मेंस को ठीक आएगा जिसका ब्रॉड शोल्डर है ऑब्वियसली, क्योंकि इसके शोल्डर बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, सी मटेरियल अच्छा है, प्रिंट भी अच्छा है, बट हाँ मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे पे शोल्डर मतलब एक होता है ना ड्रॉप शोल्डर होते हैं, बट ये ड्रॉप शोल्डर भी नहीं है, ये मतलब अलग ही टाइप का, मतलब ऐसे कान के ऐसे खड़े थे, तो इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, हाँ तो ये ऐसे खड़े थे, मैं साइड में वीडियो डाल दूँगी, मैंने पहना भी है, बट ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मेरे ऊपर, तो मैं इसको फॉर श्योर रिटर्न करूँगी, ये और ये पिंक वाला मैं दोनों रिटर्न करने वाली हूँ, क्योंकि पिंक वाला का मटेरियल मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, एंड ये मेरे को मटेरियल अच्छा लगा, इसका प्रिंट भी अच्छा लगा, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है मेरे ऊपर पहने हुए साइड से कान खड़े हैं, तो यस आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस, एंड इसका एक्चुअल प्राइस था 1199, एंड आई गॉट इट फॉर 399, तो काफ़ी अच्छा है, 399 के प्राइस में ये काफ़ी अच्छी टी शर्ट है, बाकी मेरी सबसे फेवरेट जो है ना एंड मैं इतनी खुश हूँ कि ये परफेक्ट आई है, ओवरसाइज आई है, मतलब अमेजोन जैसा नहीं क्रॉप्ड आ गई, दिखाया ओवरसाइज था बट क्रॉप दे दिया, तो चलो ठीक है वैसे पड़ा हुआ है, ओके नेवर माइंड, एंड बट दिस कलर देखो, अभी भी मैंने खाली इसे लगाया है तो इतना सुंदर लग रहा है, ओके तो श्योर फॉर श्योर मैं ये रिकमेंड करूँगी आपको, ये रिकमेंड करूँगी, एंड ये तो बिल्कुल ही करूँगी, इसका कलर इतना ज़्यादा प्रिटी है ना, वाओ, तो ये तीनों रेकमेंड करूंगी आप लोग को, एंड हाँ ये भी चलेगा टाइप्स, मतलब उतना अच्छा नहीं है, चलेगा टाइप्स ये एंड ये भी, तो मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप लोगों को पसंद है इनमें से कोई भी तो आप लोग ले सकते हो अपने लिए, तो या दिस द वीडियो इज गोइंग टू एंड, एंड आई होप आप लोग अच्छी लगी होगी ये वीडियो, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि इसमें से आपकी फेवरेट टी शर्ट कौन सी थी एंड आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना एंड शेयर करना मत भूलना, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।